उड़ा मत देना किसी का। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों आप? आई होप अच्छे होंगे और मैं तो एकदम बढ़िया ही हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी जो है मैं गाड़ी में बैठी हूँ और हम जा रहे हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, मतलब मेरी मौसी के यहाँ। और चलते हैं, मेरे साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ये हम तीनों जा रहे हैं। और चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर। और अभी जो है हम पहुँच गए हैं रायपुर चौक, महाराणा प्रताप चौक में। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी भयानक भीड़ थी ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो ये देखो, मेरी लास्ट वीडियोज़ में आपको दिखाई रही हूँ, भाई देखो कल कितनी भीड़ थी शिवरात्रि के मेले में। मतलब गाड़ियाँ आर पार जानी बहुत मुश्किल हो रही थी। वो देखो सामने चरखा भी दिख रहा होगा आपको। यहाँ से हम ले रहे हैं फ्रूट्स जहाँ जा रहे हैं हम। चलो बैठने के लिए बेटा, बैठने के लिए। बताओ यहाँ, बताओ यहाँ, बताओ क्या चाहिए? धनुष्बाण। धनुष्बाण, अच्छा अच्छा आपने देख भी लिया धनुष्बाण? ये हमारे यहाँ तो तीन है, फिर एक लगाओ तो फिर वो ले जाओ। तो फाइनली हमने गिफ्ट पैक भी करवा दिया है और अब जो है निकलते हैं सीधे मौसी के घर में, क्योंकि वहाँ पे जो है अर्णव का बर्थडे भी है ना, मौसी के बेटे का बर्थडे। तो हमने सोचा गिफ्ट भी ले जा लेते हैं हाथों हाथ। तो चलिए निकलते हैं, चलो बंद कर। तो दोस्तों अभी जो है हम चाय पी रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हम आए हैं अर्णव मतलब कि मौसी के घर में। और यहाँ पे हम दो रीज़न से आए थे, एक तो यहाँ पे बड़े मौसा जी की खबर करने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी जो है अभी तबीयत ख़राब हुई थी पिछले कुछ दिनों में। तो वैसे आ रहे थे हम उनकी खबर करने के लिए, लेकिन यहाँ आते आते हमें पता चला कि आज अर्णव का बर्थडे भी है। वैसे तो पता तो था लेकिन भूल चुके थे, अपने अपने गृहस्थी में सब बिजी हो जाते तो सब भूल जाते आदमी। तो पता चला अर्णव का बर्थडे भी है। और ये है हमारा बर्थडे बॉय जो कि है मेरा छोटा भाई। तो आज इसका बर्थडे है, सब इसको बर्थडे विश कर दो भाई। टोपी दे दे इसको, टोपी नहीं बच्ची ना, पिंक कलर की है। तगड़ा चलो, तगड़ा जाओ भाई। आ रहे हो भाई, आ रहे हो भाई के साथ में। ये कौन सा वाला लेंस लगाओ चश्मे में? विदाउट लेंस से ये। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। अरे एक प्लेट ले भाई। अबे तुम क्या दे रहे हो? अब भी मस्ती दे जाओ ऊपर। हां ये दिखा दे अनन्या। हां अनन्या ये भी ले आ। मौसी ये कब कब लाया यार आप? वहां यार मजा आ गया। अच्छा खोल दिया अपना बस। अरे अपना खोल, अनन्या खोलेगा। चलो तेरा बर्थडे है क्या? बताती रही ना, ले अंडा खोल दे। चलो गाइस व्लॉगिंग हो रही है। हम तुम भाई बे यार। हां अपने
दीदी वैसे भी नहीं आ रही ब्लॉगिंग में मुश्किल से चलो चलो अबे आराम से अरे भैया आराम से किसी का चेक फोटो अबे ओ यहां से सच्ची है तो गाइस देख सकते हैं ये तो खा रहे हैं ये पकौड़ी खाने के बाद बोलते हैं कच्ची बनी है कि पक्की बनी है बहुत टेस्टी बनी है फर्स्ट क्लास करवा देना अपना दीदी वो यहां पे करना गाइस ये हमारी मास्टर शेफ है जिसका नाम है मिसेस ललिता नेगी मस्त कर क्रिस्पी और ये अन्नी बनना तो गाइस जैसा कि आपको भी बताया कि आज मेरे भाई का बर्थडे है तो हमने केक वेक तो आपने देखा ही हमने केक वेक भी खा लिया है और पकौड़े शकौड़े सब खा लिए तो अभी हमारे जो इवनिंग की चाय हो रही है और चाय पी के हम निकलते हैं यहाँ से घर तो चलिए फिर तो गाइस अभी जो है हम मौसी के आए थे तो हमने सोचा मौसी का मकान भी देख लें तो यहाँ पर बन रहा है मौसी का मकान और चलो आपको भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत काम लगा हुआ यहाँ का एरिया बड़ा मस्त है यार किसकी किस चला रहे हो तुम उड़ा मत देना ये देखिए फ्री की बाइक मिली चला शुरू कर दिया तो कैसा फील हो रहा आपको बैठ के बताओ बैठ के तो मस्त फील हो रहा फिलहाल तो गाइस फाइनली अभी जो है सारा हमारा प्रोग्राम हो गया है और मतलब कि हम लोग जैसे गए थे मौसी के घर में हमने पार्टी वगैरह इंजॉय की और खाया पिया मौज मस्ती की और मौसी का मकान भी देख लिया और सारे काम मतलब आज हो ही गए मतलब मौसा जी को भी देखना था उनको भी देख लिया और अर्णव के बर्थडे में भी चले गए तो अभी जो है हमारे घर जाने की बारी आ रही है तो हम निकल चुके हैं घर के लिए तो अभी चलते हैं घर पहुँचते हैं घर में क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया है शाम के 5-6 बजने वाली हैं तो चलिए घर चलते हैं।